देखेंगे कि वो बीच में से ऐसे टूट रही है, इसका मतलब हमारी मिर्ची पक के तैयार है। अब हम इसमें उबली हुई दाना मेथी डाल देंगे। अब हम दाना मेथी को डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपकी दाना मेथी थोड़ी सी ज़्यादा भी पक जाएगी तो वो कड़वी नहीं होगी, क्योंकि हमने दाना मेथी को ज़्यादा उबाला नहीं था। आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून अमचूर और लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे। कलौंजी डालने का वीडियो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन आप इसमें कलौंजी ज़रूर डालिए। कलौंजी डालने के बाद आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और उसे 2 मिनट तक ढककर रहने दीजिए। जब अचार ठंडा हो जाए तो आप इसे गरम गरम चपाती या पराठे के साथ सर्व कीजिए। ये लाल मिर्ची का इंस्टेंट अचार है, ये कम से कम 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होगा। हमें इसे फ्रिज में ही रखना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।